नमस्ते, मैं राम स्वरूप। अक्सर महिलाएं मुझसे ये कहती हैं, भैया सिलाई महंगी हो गई है। तो यह वीडियो मेरा उन महिलाओं के लिए और ब्रदर्स के लिए जो इस सिलाई के क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं, नॉलेज रखने की इच्छा रखते हैं या जान रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले लेंथ का निशान लगाते हैं, एक इंच एक्स्ट्रा रख के। उसके बाद 5.5 इंच ऊपर से मुड्डे का आर्म होल का निशान, ठीक है। दोनों सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब चलते हैं शोल्डर की तरफ, ऊपर की तरफ। मैं शोल्डर की तरफ से कटिंग कर रहा हूँ। 2.5 इंची गले का निशान, 5.5 इंची शोल्डर का निशान, सीने का चौथा हिस्सा, ये सीने का चौथा हिस्सा लगाता हूँ इस पे नोपे, ठीक है। 2 इंची 36 इंची सीना इसका मेरा, 2 इंची एक्स्ट्रा। ये 4.25 इंची पे बैक टैक्स के लिए, कमर का चौथा हिस्सा ये यहाँ पे निशान लगाता हूँ, ठीक है। 1.5 इंची टैक्स के लिए और 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरीके से ये सीधी लाइन खींच लेते हैं, एक फिटिंग की और एक कटिंग की। इस पे कटिंग होगी और ये आर्म होल का और ये टैक्स का निशान, ये यहाँ पे इसको क्रॉस में यहाँ तक डालेंगे। और ये गले का निशान, ये गले का निशान हो जाएगा। इसको पहले ही निशान लगा लेते हैं एक बार, कटिंग बाद में कर लेंगे। और ये गोलाई दे देते हैं। सबसे पहले मैं बैक काटना बता रहा हूँ आपको इसमें, और ये आर्म होल, और इस पे ये 1.5 इंची का मैं लगाऊंगा निशान। अब इसको गोलाई दे देते हैं 1.5 इंची पे, इसको इस तरीके से, ये 1.5 इंची का। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, ये ऊपर से कटिंग करते हैं, जो मार्किंग है उसके ऊपर फिक्स, ये यहाँ से। अब काटते हैं सामने की चोली। उसके लिए आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, ये जो पॉइंट का नाप लेते हैं अपन मैन्युअली किसी भी लेडीज़ की, तो पॉइंट जो आता है उसमें 3.5 इंच प्लस करके चलते हैं। तो मेरा पॉइंट है 9.5 पे, तो 3.5 और जोड़ता हूँ, 3.5, तो इसमें हो गया मेरा 13 इंची की चोली। ये पॉइंट होता है अपना, उसमें 3.5 और जोड़ते हैं, तो ये मेरी हो गई चोली 13.5 इंच की। जो फ्रंट की चोली है उसको 13.5 इंच बड़ी काटूँगा। इस 13 इंची पे मैं निशान लगा लिया हूँ, ठीक है। 13.5 इंच गलत बोलिए, 13 इंची पे ही होगी मेरी ये, 9.5 3.5 13 इंच होती है, तो 13 इंच पे काटूँगा। ये बैक इसके ऊपर रख लेता हूँ, और इस साइड से मैं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा काटूँगा। एकदम ईजी तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ से अपन इसको पहले काट लेते हैं एक बार। 13 इंच पे निशान लगाना है, बैक को रखना है, बैक को रखने के बाद उसको काट लेना है, काट के अपने को अलग कर लेना है सीधा सीधा, इस तरीके से। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड में इसका, फ्रंट की तरफ, उसको मैं काट देता हूँ एक बार। और ये जो आर्म होल में बच रहा है इसको मैं काट लेता हूँ। ये कटिंग होने के बाद मैं सीधा सीधा मार्क उठा लेता हूँ, तो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। ये इस तरीके से स्केल से वही सीधी लाइन, और ये यहाँ से, और एक लाइन यहाँ से गले की, ये गले की आ जाएगी, 2.5 इंची पे था वो। और सीधा 3.5 इंची नीचे से, 4 इंची इधर से, ठीक है। इस पे एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, ये पॉइंट का निशान हो जाएगा अपना, और 3.5 इंची नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2.25 इंच पे अपने टैक्स के निशान डलेंगे, 2.25 पे ये टैक्स के निशान लगते हैं। तो ये निशान इस तरीके से लगा लेते हैं, ये ऐसे एक लाइन आर्म होल से एक टैक्स डलती है उसके लिए, इस तरीके से। इसमें ये 4 डॉट डलती हैं, 1 इंच ये बेल्ट के लिए क्रॉस में काट देते हैं इसको, इस तरीके से।
और ये गला जितना भी हो जिसका अलग अलग नाप से हो उस हिसाब से आप काट सकते हो। इसको गोलाई लगा लो जैसा भी आपको शेप चाहिए। फिलहाल मैं गोल गला काट रहा हूँ इसमें, और ये सामने में डीप कटिंग, ज़्यादा डीप भी नहीं चाहिए, 1.5 इंच लिए तो आधा इंच और काट सकते हैं उसको डीप कटिंग, तो 1 इंची डीप कटिंग, आधा इंची हो जाएगी, 1 इंची बच जाएगा। ठीक है, ये निशान अपने एक बार दोबारा रिमाइंड करवा दूँ इस तरीके से। ठीक है, वो यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये गला, इसको कटिंग कर लेते हैं एक बार। इस तरीके से, और ये गला सामने का है, ये इस तरीके से, ये सामने में थोड़ा सा हल्का सा मैंने काट दिया है तो लूज़ नहीं रहता, ये चोली के नीचे से क्रॉस में जहाँ बेल्ट लगेगा। और ये निशान हल्के से बैक दूसरी साइड उठा लेते हैं ऐसे कैसे, और ये कुट के लगा देते हैं थोड़ा सा क्रॉस में नीचे की तरफ, और ये साइड का और ये आर्म होल का, ये थोड़ा सा निशान और लगा लेते हैं इसमें, क्रॉस में होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे कैसे मार्क कर लेते हैं बैक दूसरी साइड। ये अपनी चोली कट गई है, अब काटते हैं इसका बेल्ट। बेल्ट काटते हैं इसका सीधा सीधा वही, ये जो क्रॉस में आएगा और ये सीधा सीधा, अभी मैं बता देता हूँ आपको, ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा इसका, और यहाँ से काटते हैं। अब इसका काटने का तरीका है जो मैं इजीली तरीके से बता देता हूँ आपको, सीधा सीधा नीचे से, ये 1.5 इंच आ रहा तो आधा इंच और एक्स्ट्रा, और 1 इंच जो अपना है ये डार्ट के निशान का, तो ये 3 इंच का मेरा बेल्ट होगा जो मैं भी काट के दिखाने वाला हूँ। ये जो कपड़ा है इसका एक्स्ट्रा, उसको मैं काट लेता हूँ ये इधर से, और 2 निशान लगा लेता हूँ। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं काट देता हूँ। अब चलते हैं कमर का वही चौथा हिस्सा, ठीक है, लंबाई में, और 2 इंची एक्स्ट्रा, और 3 इंची अपने को लगना है चौड़ा हाई में, ये 3 इंची, और ये 2 निशान अपन को खींच लेने हैं सीधे सीधे, और एक सीधा निशान ये खींच लेने हैं। ठीक है, और ये 1 इंची 1.5 इंची जो अपन ने जो चोली में रखा था वही निशान इसमें रखना है इस तरीके से। ये देखिए जो चोली में यहाँ से मैंने काटा था वो इसमें बढ़ाना है, उसमें काटना है, और इसको यहाँ से काट देते हैं इस तरीके से, बिल्कुल बढ़िया शेप में, और ये कुटके लगा लेते हैं 2 इंची पे इस तरीके से। ये मेरा बेल्ट हो गया, ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो इसमें डार्ट में आ जाएगा, ये बेल्ट हो गया। अब चलते हैं आस्तीन की तरफ, आस्तीन काटने के से पहले आगे का फोल्ड का निशान, और आधा इंची उस तरफ, यानी 3.5 इंची है तो मैं 4.5 इंची इसको ले रहा हूँ टोटल। ठीक है, 3 इंची पे मेरा डाउन का निशान, उस पर एक लाइन मैं खींच लूँगा इस तरीके से, सीधी लाइन खींच लेनी है अपने को। ठीक है, अब ये मैं बताता हूँ आपको, मेरी आस्तीन है 3.5 और आस्तीन मोरी है 11.5, तो 11.5 का आधा हिस्सा अपना हो गया, 11.5 का 5.5 और थोड़ा सा ज़्यादा तो आस्तीन हो गई। और ये आर्म होल का सीधा निशान लगाने का तरीका वो इजीली तरीके से बता रहा हूँ, इसको आप इस तरीके से नापो, इसके और भी तरीके होते हैं, फिलहाल मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से नापा और इस 3 इंची के जो डाउन की लाइन थी उसके ऊपर सीधा सीधा अपन ने लगा लेना है, और ये निशान खींच लेना है। ये शेप अपने को इस तरीके से लगा लेनी है, बिल्कुल बढ़िया, एक बार नहीं लगे तो दोबारा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप शेप लगा लो, और वही 2 इंची एक्स्ट्रा इधर कपड़ा जो हर जगह अपन ने साइड में ब्लाउज में छोड़ा है 2 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा, तो वही 2 इंची यहाँ पर छोड़ के इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, बिल्कुल बढ़िया कटिंग कर लेते हैं। ये मेरा कुटका 2 इंची का, ये जरा सा मैं निशान बैक की तरफ से लेकर ये कुटका लगाता हूँ इसमें, मैं बैक फ्रंट कर लेता हूँ इसकी, अब
अभी तो मैंने प्लेन काटा, अब इसका एक कर लेता हूँ बैक की तरफ और एक कर लेता हूँ फ्रंट की तरफ, ये फ्रंट। अब इसमें ये डीप कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, ये मेरी फ्रंट हो जाएगा। फिलहाल मेरी ब्लाउज़ की कटिंग करीब करीब पूरी हो गई है, सादा बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। आने वाले वीडियोस में आपको मैं स्टिचिंग करना है इसके बारे में और बहुत सी जानकारी बताने वाला हूँ। ये अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको स्टिचिंग से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध होने वाली हैं। और लाइक और शेयर करना कभी ना भूलें। ये बेल्ट, मुझे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।